हाई इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग SOIC के चैनल में फर्स्ट टाइम एक IT कंपनी एनालाइज करने वाले। IT माने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। बट एनालिसिस में जंप करने से पहले हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल की बात करते हैं, या तो हम लोग ऐसी बात करते हैं कि SOIC वैल्यूएशन बारे में कैसे सोचते हैं। तो बेसिकली हम लोग वैल्यूएशन बारे में कुछ ऐसे सोचते हैं कि वैल्यूएशन में मार्केट का जो प्राइस है डैट बेसिकली मूव्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। एंड जो डिमांड एंड सप्लाई है वो किस बेसिस पे मूव करती है कि मार्केट के अंदर जो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की मशीन लगी हुई है वो क्या सोचेगी कितना कैश फ्लो आने वाला है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे चार क्वाड्रेंट्स बना रखे हैं। जो हमारा पहला क्वाड्रेंट है इसका, तो हमारा पहला क्वाड्रेंट बात करते हैं कि मार्केट सर्टेन है पर आप अनसर्टेन है कि कैश फ्लो आएगा नहीं आएगा। तो टिपिकली इन कंपनीज में क्या होता है कि ये कंपनीज आपके आउट ऑफ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होते हैं, क्योंकि आप उस कंपनी का कैश फ्लो का जो ग्रोथ है वही नहीं जज कर पा रहे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, अगर भाई जब हम फर्स्ट फिल्टर देखते हैं, या तो आप खुद बैठ के अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कीजिए, या तो सेकेंडली आप बैठ के उस कंपनी को छोड़ दीजिए। अब जो हमारा सेकेंड फिल्टर आता है वो बेसिकली क्या बात करता है कि आप सर्टेन है पर मार्केट अनसर्टेन है। तो यहां पे जो उनकी सेइंग आती है मोनीष पबराई की, तो मोनीष पबराई कैसे क्या क्या बोलते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखो जहां पे लो रिस्क है पर हाई अनसर्टेनिटी है। तो उनका मतलब क्या है हाई अनसर्टेनिटी कैश फ्लो के बारे में, कि कैश फ्लो आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसी कंपनीज में टिपिकली आपके वेरिएंट परसेप्शन लगते हैं, आपके जो हिडन ट्रिगर्स हैं वो लगते हैं कि किसी कंपनी में मार्जिन एक्सपैंड हो रहा है, कोई कंपनी डीलेवरेज हो रही है, राइट। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स रहे हैं ओवर द इयर्स। तो आई थिंक 2019 में एल्काइल अमाइंस एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, 2021 में लॉरस लैब्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एंड ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। फिर आपके थर्ड फिल्टर आता है कि मार्केट भी सर्टेन है एंड आप भी सर्टेन है कि ग्रोथ आने वाली है कैश फ्लो की, पर इसके अंदर टिपिकली क्या आएगा कि पी रेशियो काफी ज्यादा हाई होगी। यहां पे कंपनीज कैसे आएंगी, यहां पे कंज्यूमर कंपनीज आएंगी, यहां पे एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज आएंगी जहां पे मार्केट भी सर्टेन है कि कैश फ्लो में ग्रोथ आने वाली है और आप भी सर्टेन है कि कैश फ्लो में ग्रोथ आने वाली है। तो यहां पे बेसिकली मार्केट क्या सोचती है, एक बार हम DCF का माइंडसेट लाते हैं कि DCF का माइंडसेट क्या है। मार्केट ये सोच रही है कि अगर एशियन पेंट्स जैसी कंपनी को अगर आज 100 का PE मल्टीपल मिल रहा है, तो मार्केट बेसिकली क्या जज कर रही है कि यहां पे इंडस्ट्री का प्रॉफिट पूल बहुत कंसोलिडेटेड है एंड पिछले 30 साल से इतना कंसोलिडेटेड है। एंड टिपिकली ऐसी कंपनीज में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग काफी समय से बढ़ रही होती है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस कंट्री में बहुत कम है। माने वहां पे इंटरेस्ट रेट अगर मैं आपको बताऊं तो Amazon ने रिसेंटली 0.1% पे पैसा रेस करा है। तो वहां पे इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि अगर उन्हें 5-7% रिटर्न भी मिले तो उनको चल जाता है। तो टिपिकली इन कंपनीज में आपका क्या वेरिएंट व्यू हो सकता है एज कंपेयर टू द मार्केट, यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आएंगी। तो सिमिलरली ऐसी एक कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में काफी टाइम से है, बाय द नेम ऑफ PI इंडस्ट्रीज। एंड PI इंडस्ट्रीज के अंदर क्या केस हुआ है कि PE मल्टीपल काफी एक्सपैंड हो चुका है बट अर्निंग्स ग्रोथ 35-37% के आसपास से आ रही है। इस वजह से वहां पे हमें अभी भी लगता है कि इवन तो मार्केट सर्टेन है, हम लोग भी सर्टेन है कैश फ्लोज पे, पर जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो तो हमें लंबे समय में मिल ही जाती है, चाहे PE साथ साथ उसके डीरेट भी हो। एंड जो आपको लास्ट क्वाड्रेंट आता है, लास्ट क्वाड्रेंट क्या बात करता है कि मार्केट भी अनसर्टेन है एंड आप भी अनसर्टेन है। तो टिपिकली ये कौन सी कंपनीज होएंगी, टिपिकली ये साइक्लिकल कंपनीज होएंगी, राइट। तो साइक्लिकल कंपनीज के अंदर वो काफी समय के लिए वैल्यू ट्रैप्स रहती हैं, क्योंकि वहां पे जो कमोडिटी प्राइसिंग है उनका पता नहीं होता। आजकल तो सब साइक्लिकल की बात करें लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बट अगेन यहां पे आपको क्या समझना है कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं एंड अगर आप कमोडिटी प्राइसेस नहीं ट्रैक कर सकते, तो आई थिंक सबसे इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा वन ऑफ द पाप यही है कि आप एक साइक्लिकल कंपनी में घुस जाएं जब उसके पीक मार्जिन हो और जब उसकी पीक वैल्यूएशन हो एंड आपको उसको ट्रैक करने का तरीका ही नहीं आता। तो इनमें टिपिकली क्या होएगा कि मल्टीपल मतलब जो उनका वैल्यूएशन मल्टीपल है वो 3 महीने पहले ही डीरेट कर जाता है एज कंपेयर टू द कमोडिटी प्राइस कोलैप्स। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप उसको जज ही नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में इट बिकम्स लाइक राइडिंग अ टाइगर, राइट। यहां तो यहां पे अगर आपको अपनी अनसर्टेनिटी दूर करनी है तो आपको हर एक इंडस्ट्री करके उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। सिमिलरली हमने एक ऐसी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ली थी बाय द नेम ऑफ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। उसका जो हमारा ट्विटर थ्रेड है अंडरस्टैंडिंग का वो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला है। नाउ कमिंग बैक टू टाटा एल्क्सी,
तो टाटा एलेक्सी के बिजनेस एनालिसिस को हमने उसकी बिजनेस हिस्ट्री में डिवाइड करा है, साथ साथ उसके सेगमेंट्स की बात करी है, फिर हमने ये भी देखा कि टाटा एलेक्सी और एक ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी में क्या डिफरेंस है, एंड साथ साथ हमने इसकी डिटेल्ड वैल्यूएशंस की बात करी है, जो हमारा कैश फ्लो क्वाड्रेंट है हमने उसको भी लगा के देखा है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि टाटा एलेक्सी की वैल्यूएशंस में क्या रिस्क है या बिजनेस मॉडल में क्या रिस्क है, हमने उसकी भी बात करी है। तो चालू करते हैं बिजनेस हिस्ट्री से। टाटा एलेक्सी 1989 में एस्टैब्लिश हुई थी, एंड 1989 से लेकर आज तक कंपनी एक ईपीडी बिजनेस है, एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन। बट 2000s में क्या हुआ था, बिकॉज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो इनका जो ईपीडी बिजनेस है जिसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे, वो थ्रू बहुत ज्यादा डाउनटर्न गया। तो उस टाइम पे टाटा एलेक्सी शिफ्टेड टुवर्ड्स वीएफएक्स बिजनेस। वीएफएक्स बिजनेस माने जो विजुअल इफेक्ट एंड डिजाइन है उसकी सर्विसेज के अंदर। एंड यहाँ पे अगर हम बॉलीवुड में देखते हैं तो इन्होंने कौन कौन सी मूवीज में काम करा है, तारे जमीन पर इन्होंने काम करा है, भाग मिल्खा भाग में इन्होंने काम करा है, राइट, साथ साथ जो क्रिश करके पूरी फ्रेंचाइज आई थी उसमें भी इन्होंने काम करा है, एंड जो शाहरुख खान की रावण आई थी उसमें भी इन्होंने काम करा है। बट इन्होंने 2010-2011 के आसपास क्या करा कि बॉलीवुड के साथ साथ इन्होंने हॉलीवुड भी एंटर कर लिया। एंड जब इन्होंने हॉलीवुड एंटर करा तब यहाँ पे इनकी एक प्रोडक्शन हाउस के साथ पार्टनरशिप हुई, जहाँ पे इन्होंने एनिमेशन करने का डिसाइड करा था एक प्रोजेक्ट में लास वेगस के अंदर। एंड उस एनिमेशन प्रोजेक्ट में क्या क्या था कि आई थिंक एक तो इनके पास एनिमेशन प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि जो वॉरेन बफेट है उसका भी कैरिकेचर, जो भी उसका एनिमेटेड शो था इन लोगों ने बनाया था। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट ओवररन हो गया, क्योंकि जो वीएफएक्स बिजनेस है एक्चुअली में एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो 2012-2013 में कंपनी ने वापस स्विच करा, एंड जो कंपनी का ईपीडी बिजनेस है डेट इज एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन, कंपनी ने उसके अंदर वापस फोकस करना चालू करा। आज एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर इनके 3 वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल इनका कौन सा आता है, डेट इज बेसिकली ऑटोमोटिव का। ऑटोमोटिव के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का वर्टिकल है, बेसिकली कार्स का वर्टिकल आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसके अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, एंड साथ साथ जो रेलवेज है एंड साथ साथ जो एयरपोर्ट्स हैं उसका भी इसके अंदर इनका एक वर्टिकल आ रहा है। उसके बाद जो इनका सेकंड डिवीजन है इसके अंदर, डैट इज बेसिकली ऑफ मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन के अंदर जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार इसके हम डिटेल में बात करेंगे। एंड जो इनका थर्ड डिवीजन आता है यहाँ पे, डैट इज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज का डिवीजन इनका काफी रीसेंट डिवीजन है, एंड ये डिवीजन इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिवीजन है। इसमें हम बात करेंगे क्यों सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो हम बात करते हैं कि टाटा एलेक्सी के बिजनेस में और एक क्लासिकल आईटी सर्विस बिजनेस के अंदर क्या फर्क है। तो अगर हम एक ट्रेडिशनल आईटी कंपनी को देखते हैं, तो एक ट्रेडिशनल आईटी कंपनी में आपके पास ट्रिमेंडस फंजिबिलिटी ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज है, माने आपकी जो स्किल्स हैं प्योरली फंजिबल है, राइट। एंड यहां पे आपके पास 1000 जावा डेवलपर्स भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। पर जो टाटा एलेक्सी जैसे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा लोग एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते, आपको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन भी चाहिए एक प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। सेकेंडली यहां पे क्या क्या फर्क आता है कि वन डज नॉट रियली नीड टू हैव एनी डोमेन कैपेबिलिटीज और स्किल्स एट द बॉटम लेयर्स, माने जो बॉटम लेयर है ऑर्गेनाइजेशन का या जो भी टीम का बॉटम लेयर है, वहां पे आपको डोमेन कैपेबिलिटीज नहीं चाहिए। माने टाटा एलेक्सी जैसे बिजनेस के अंदर आपको फिर भी डोमेन कैपेबिलिटीज चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप किसी ऑटोनॉमस कार पे काम कर रहे हो तो आपको एक्चुअली में उसके बारे में काफी इनडेप्थ पता होना चाहिए, तो यहाँ पे डोमेन कैपेबिलिटीज चाहिए आपको। एंड थर्डली यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस क्या आते हैं इन दोनों बिजनेस मॉडल्स के बीच में, कि जो ट्रेडिशनल आईटी में है ये लोग पहले जो कंपनी के सीआईओ हुए हैं, राइट, उनसे ज्यादा बात करते थे, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर से। Whereas जो टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी है ये हमेशा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और जो R&D टीम है उनके साथ ज्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं। एंड एक जो यहाँ पे और मेजर डिफरेंस आता है कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है दे आर प्रेजेंट इन लोअर ग्रोथ एरियाज, वेयर अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करते हैं तो टाटा एलेक्सी इज प्रेजेंट इन हायर ग्रोथ एरियाज। तो ये तो इनके कुछ की डिफरेंसेस हैं। और भी यहाँ पे क्या की डिफरेंस आता है कि इन्होंने अपनी कॉनकॉल के अंदर भी बताया था, इनकी कॉन कॉल में बेसिकली ये लोग ये बता रहे हैं कि जिन सेक्टर्स में हम प्रेजेंट हैं, अगर हम आईटी सर्विसेज से अपने आपको कंपेयर करते हैं तो उनकी ग्रोथ कुछ 10% के आसपास आ रही है। वेराज अगर हम टाटा एलेक्सी की ग्रोथ देखते हैं तो टाटा एलेक्सी जिन एरियाज में प्रेजेंट है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन वर्टिकल्स में 30% ग्रोथ आ रही है तो उन्होंने ये नहीं बताया, बट डेफिनेटली इन एरियाज में एज कम्पेयर टू दिस एरिया ज्यादा ग्रोथ आ रही है। तो एक बार हम बात करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर क्या क्या डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, कितना उनका मार्केट शेयर है। तो पहले जब हमने एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन बिजनेस की बात करी थी, आज कुछ इनके रेवेन्यू में 88-90% जो सेगमेंट है उसी से कंट्रीब्यूशन होता है। एंड इसके अंदर भी इनके जो 3 डिवीजन है, पहले हम ऑटोमोटिव से बात स्टार्ट करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट वाला डिवीजन है। जो इनका ट्रांसपोर्टेशन का सेगमेंट है, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड का क्या नाम है, केस करके नाम है।
केस का मतलब कनेक्टेड कार्स, ऑटोनोमस कार, शेयर्ड मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कार्स। इन सबको हम एक बारी एक एक करके समझते हैं। तो जो आपके हम जो फर्स्ट ट्रेंड है यहाँ पे उसकी जब हम बात कर रहे हैं कनेक्टेड कार्स की, तो बेसिकली फ्यूचर में क्या एक ट्रेंड चल रहा है कि सारी कार्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। अगर वो कनेक्टेड होंगी एक दूसरे के साथ तभी वो ऑटोनॉमस हो पाएंगी। ऑटोनॉमस होने का मतलब कि जो मतलब ये कार्स बेसिकली ड्राइवरलेस हो जाएंगी, किसी को ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो यहाँ पे एक ट्रेंड उसका भी आ रहा है जो टैक्सीज विल बी ऑटोनॉमस, माने कोई भी टैक्सी के अंदर ड्राइवर नहीं होगा, तो आप अपनी कार की एप्लीकेशन, जो फोन की एप्लीकेशन से आप टैक्सी को बुक कर पाएंगे, राइट। एंड उसके साथ साथ एक ट्रेंड आ रहा है शेयर्ड मोबिलिटी का। शेयर्ड मोबिलिटी का मतलब कि एक कार का काफी लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड लास्ट ट्रेंड है इलेक्ट्रिफिकेशन का, माने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, तो ये सारे चारों ट्रेंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहां पे अगर हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, अगर आज हम एक लाइंस ऑफ कोड जैसी चीज को डिस्कस करते हैं कि कितना सॉफ्टवेयर कोड लगता है, तो बेसिकली अगर हम यहां पे कंपैरिजन करते हैं कि एक व्हीकल के अंदर आज 100 मिलियन लाइंस ऑफ कोड है, वेराज अगर हम इसका कंपैरिजन F-35 जो फाइटर जेट है उसके साथ करें तो वहां उसमें कुछ 20-30 मिलियन लाइंस ऑफ कोड है। एंड साथ साथ अगर हम व्हीकल ऑफ टुमारो को देखें, जो कल की व्हीकल होने वाली है, 2025 में इट इज एक्सपेक्टेड कि 1 बिलियन लाइंस ऑफ कोड होने वाले हैं जो 2025 में व्हीकल होगी। अगेन लाइंस ऑफ कोड का मतलब ये नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होएगा, बट लाइंस ऑफ कोड डेफिनेटली ये जरूर बताता है कि सॉफ्टवेयर का शेयर इन अ कार बहुत बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे हम अगली चीज देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द कार, माने 2010 में जो सॉफ्टवेयर का एक कार के एज अ परसेंटेज ऑफ, अगर हम टोटल उसका जितना भी एक्सपेंडिचर है देखते हैं, मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, तो 7% था 2010 में, वेरस 2017 में वो 7% से 10% होगी सॉफ्टवेयर की वैल्यू। एंड 2030 में एक्सपेक्टेड है कि सॉफ्टवेयर की वैल्यू एक कार में कुछ 30% के आसपास आ जाएगी। यहां पे और भी क्या इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सॉफ्टवेयर की कंसिडरेबली ज्यादा यूसेज है एज कंपेयर टू एन आईसी इंजन, माने जो हमारा जो इंजन फॉसिल फ्यूल से चलता है। तो चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेनिट्रेशन इस स्पीड पे बढ़ रही है। अगर हम ईयू की बात करते हैं तो यहां बढ़ रही है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो भी यहां से बढ़ रही है। तो अगेन इट इज एक्सपेक्टेड कि पैसेंजर व्हीकल विल एक्चुअली एंड अप बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर ऑन व्हील्स, राइट। तो यहाँ पे हम अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करते हैं तो ये क्या क्या सिस्टम, क्या 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 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो इनके प्लेटफॉर्म्स है बाय द नेम ऑफ ऑटोनोमा, तो ऑटोनोमा इनका एक आईपी जनरेटेड प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली जो कनेक्टेड कार्स हैं, जो ऑटोनोमस कार्स हैं, उनकी हेल्प के लिए। तो यहाँ पे हम एक केस स्टडी देखते हैं छोटी सी कि ऑटोनोमा की यूसेज क्या है। एंड L1, L2, L3, L4, L5 करके यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं ऑटोनोमस व्हीकल के। L1 से L3 तक आजकल वर्ल्ड में काफी यूज में, क्योंकि टेस्टिंग में ये यूज हो रहे हैं। L4 और L5 का मतलब कंप्लीटली ऑटोनोमस, माने कंप्लीटली इन कार के अंदर किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इनकी एक छोटी सी हम वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि ये इसका यूसेज क्या है। अगर यहाँ पे हम एक फीचर देखते हैं ऑटोनोमा का, तो ऑटोनोमा का एक फीचर है असिस्टेड पार्किंग का, माने कि अगर आप फोन की ऐप यूज करके दबाएंगे कि पार्क द कार, तो जो ऑटोनोमा का प्लेटफॉर्म अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो बेसिकली वो कार आपके लिए खुद ही पार्क कर देगा क्योंकि फोन की एप्लीकेशन के डला हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं कि पीछे सेंसर भी लगा हुआ है, तो कोई पीछे आ रहा था तो सेंसर्स ने ये भी वो कर लिया डिटेक्ट कि कोई पीछे आ रहा है, तो गाड़ी रुक गई अपने आप। इन साथ साथ कार अपने आप ही पीछे होकर पार्क हो जाएगी, जैसे एक बार हम इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, राइट। तो कार अपने आप ही पार्क हो रही है इसके अंदर। तो ये ऑटोनोमा है बेसिकली इनका आईपी लेट प्लेटफॉर्म है, एंड आपके पास फोन पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कार हैज बीन सक्सेसफुली पार्क्ड। सिमिलरली अगर आपको कार को वापस निकालना है तो आपको बस दबाना है पार्क आउट, माने कार को आपको वापस निकालना है, तो कार अपने आप ही आपके लिए वापस निकल जाएगी। तो ये तो इनका था असिस्टेड पार्किंग सिस्टम। एंड जो यहाँ पे सेकेंड इनका कोलैबोरेशन है, वो एक कंपनी के नाम से हुआ था, A2i करके। A2i कंपनी के साथ इन्होंने रोबो टैक्सी में कोलैबोरेशन करा था। इसमें क्या कोलैबोरेशन था कि एक फोन की एप्लीकेशन के थ्रू आप टैक्सी को बुला सकते हैं, एंड इसमें L4 लेवल तक का ऑटोनॉमस सिस्टम यूज हुआ था। एक बार हम इसकी यहाँ पे वीडियो देखते हैं इसको समझने के लिए कि यहाँ पे कैसे हुआ था। तो जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्सी ने ऑटोनॉमस मोड इनेबल कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर है वही पूरी टैक्सी को गाइड करेगा। जैसे यहाँ पे पूरी जो रूट प्लानिंग है, मनूवर प्लानिंग है, सारी ऑटोमेटिकली अपने आप ही होगी। खुद ही जो पेडेस्ट्रियन है उसको भी ये कर लेगा डिटेक्ट, एंड साथ साथ कार अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी, राइट। एंड आई थिंक टाटा एलेक्सी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो अभी तक मैंने पढ़ा है। साथ साथ ऑब्स्टिकल को भी जो रोबो टैक्सी खुद अवॉइड कर लेती है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं और भी इसके अंदर क्या 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 चीज़ें निकल के आती हैं।
राइट, तो कार इज ड्राइविंग इटसेल्फ। एंड साथ में अगर यहाँ पे और भी हम इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं तो कार को जो टर्न कराना है वो भी अपने आप हो जाती है, साथ साथ कार के अंदर सेंसर भी लगा हुआ है, राइट, तो अपने आप ही जो ऑब्जेक्ट्स है उनको ट्रैक कर लेती है कार, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कार अपने आप ही टर्न कर रही है अगर आपकी जो डेस्टिनेशन है वो डली हुई है कार के अंदर। सो आई थिंक रोबो टैक्सी भी अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन है। सो दिस इज द सेकेंड सच कोलैबोरेशन विच दे हैव। अगर हम यहाँ टाटा एलेक्सी के कस्टमर्स देखते हैं तो इनके पास बहुत इंटरेस्टिंग कस्टमर्स हैं, इनके टीयर वन ओईएम इनके कस्टमर्स हैं, एंड साथ साथ इनका जो मेजर कस्टमर है डैट इज जैगवार जो टाटा मोटर की कंपनी है। तो आई थिंक ओवर द ईयर्स एक बहुत बड़ा रिस्क भी रहा है कंपनी में कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, कि जो जैगवार है उनके लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर और भी इनके कस्टमर्स देखते हैं तो टोयोटा इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर कस्टमर्स, एक और कंपनी जो इनकी काफ़ी बड़ी कस्टमर है डैट इज डेंसो। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि काफ़ी स्टिकी बिजनेस है। तो यहाँ पे अगर हम इनके रेवेन्यूज देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल में हमें पता लगेगा कि रेवेन्यूज काफ़ी ज़्यादा चमपी रहे हैं थोड़े समय में, माने रेवेन्यूज में कोई एक बहुत ज़्यादा सिंगुलैरिटी नहीं है, रेवेन्यूज एकदम लीनियर नहीं है, पर रेवेन्यूज काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसका एक ये रीज़न है ऊपर नीचे होने का कि प्रॉब्लम बीइंग कि ऑटो इंडस्ट्री ही अपने में काफ़ी ज़्यादा साइक्लिकल है। ये अपनी कॉनकॉल्स में भी बताते हैं कि हर 15-20 साल के अंदर अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की हिस्ट्री को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बूम्स एंड बस्ट रहे हैं। पर ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पे एक अच्छी चीज़ क्या चल रही है कि जो इनका R&D बजट है, आई थिंक कुछ 170 to 180 billion dollars का R&D करती हैं ऑटो कंपनीज, तो इनका जो R&D है अभी भी बहुत कम आउटसोर्स्ड है। पर क्योंकि इनके बजट्स के ऊपर प्रेशर डल रहा है, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो कंपनीज हैव टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इनको R&D और भी ज्यादा आउटसोर्स करनी पड़ेगी। यहां पे टाटा एलेक्सी जैसे प्लेयर्स के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी है। एंड यहां पे अगर हम इनका जो रेवेन्यू डिपेंडेंस है जैगवार पे अगर वो चेक करते हैं तो ओवर द ईयर्स जो इनका रेवेन्यू डिपेंडेंस है वो थोड़ा घटते भी जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 में 98 करोड़ था, पर आज जो क्वार्टर फोर तक 57 करोड़ आ गए FY21 के। तो धीरे धीरे जो इनकी रेवेन्यू की डिपेंडेंस है इनके ऊपर से घटते भी जा रही है। तो ऐसी कंपनीज में इंटरेस्टिंग क्या होता है कि जो मार्केट है कभी कभी एक वेरिएबल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देती है, तो ये बहुत सस्ते मल्टीपल पे मिलने लग जाते हैं। ये तो इनका ट्रांसपोर्ट का वर्टिकल था EPD के अंदर। अब जो इनका सेकेंड वर्टिकल है हेल्थ केयर, हम उसकी बात करते हैं। हेल्थ केयर का वर्टिकल इनका सबसे रीसेंट वर्टिकल है, आई थिंक लास्ट 4-5 years में इन्होंने इसको स्केल करना स्टार्ट करा है। एंड इसके अंदर ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पहली सर्विस तो ये जो पैकेजिंग का डिज़ाइन है वो बनाने में हेल्प करते हैं, साथ साथ जो सेकंड सर्विस है जो लेबलिंग है उसमें भी हेल्प करते हैं उसका सॉफ्टवेयर बनाने में, क्योंकि जो भी दवाइयाँ होती हैं जो मेडिसिन होती है अगर उसकी लेबलिंग की बात करें तो उनकी लेबल में काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है, तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबल्स हैं उनकी कम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। थर्डली अगर यहां पे देखते हैं तो इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेडिकल डिवाइसेस है उनके प्रोडक्ट डिजाइनिंग करी है, तो यहां पे हम एक केस स्टडी भी देखेंगे। एंड साथ साथ एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज करते हैं कि जितने भी मेडिकल डिवाइसेस है उनकी जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है उसके अंदर हेल्प करते हैं, ताकि जो मेडिकल डिवाइसेज है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ अगर जो भी रेगुलेशन है उसके हिसाब से बने होने चाहिए। तो यहां पर हम एक केस स्टडी देखते हैं इनके किस्से में। तो इन्होंने एक रिसेंटली एक ड्रग डिलीवरी पेन बनाया था, एंड ये जो ड्रग डिलीवरी पेन है बेसिकली इनका स्कोप ऑफ क्या रिसर्च था उसके अंदर, क्योंकि एक एम्बेडेड बेसिकली एक ये डिजाइनिंग कंपनी है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था कि इनका स्कोप ऑफ वर्क था कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइन और रिसर्च करना है, फिर प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना है, फिर डिज़ाइन इंजीनियरिंग करनी है, एंड साथ साथ 3D प्रोटोटाइपिंग करनी है। एंड आई थिंक दिस हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग डिज़ाइन फ्रॉम देयर साइड। एंड साथ साथ अगर हम उसकी बात करते हैं जो लेबल्स हैं, तो यहाँ पे हम जैसा चेक कर सकते हैं कि काफ़ी टाइप के लेबल्स होते हैं मेडिसिन के लिए। एंड एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये करते हैं बेसिकली इन्होंने एक टेली मेडिसिन की एप्लीकेशन भी बनाई थी। टेली मेडिसिन माने कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए एक एप्लीकेशन बनाई थी कि वो डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे फीचर्स क्या थे एप्लीकेशन के कि मल्टी पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, फिर वाइड लेबलिंग सपोर्ट था, फिर क्विक कॉल भी था, एंड साथ साथ सपोर्ट फॉर पेमेंट गेटवे भी था। तो और यहाँ पे क्या एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स की बात करते हैं तो हेल्थ केयर का वर्टिकल में इनके ज़्यादा मार्जिन्स होंगे, जैसे इन्होंने कॉन कॉल्स में काफ़ी टाइम से अपडेट बता रहे हैं। एंड अगर हम हेल्थ केयर वर्टिकल में इनकी ग्रोथ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि क्वार्टर वन ऑफ FY19 में इनके हेल्थ केयर के अंदर कुछ सेल्स थी 10.5 करोड़ की,
Whereas fast forward अगर मैं करता हूँ उसको quarter one of FY20 के, तो sales इनकी 24.5 crores हो गए. फिर fast forward करते हैं quarter one FY21 में, तो sale 31 crore के आसपास आ गए. And then again अगर हम जो last quarter है उसके तक forward करते हैं, तो इनकी sale कुछ 48 crore के आसपास आ गई है. तो extremely interesting area में. यहाँ पे अगर हम एक और एक केस स्टडी देखते हैं, तो उन्होंने रिसेंटली एक जो डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म है उसकी भी डिजाइनिंग में हेल्प करी थी, राइट. एंड साथ साथ जितने भी एक इनके क्लाइंट था विच ऑपरेट्स इन द बायोटेक्नोलॉजी स्पेस, उसको भी इन्होंने हेल्प करा फॉर इंक्रीजिंग देयर फंक्शनल प्रोडक्टिविटी. माने जितने भी वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फार्मा की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने उसको उसमें भी हेल्प करा. तो अगेन ये केस स्टडी थी. एंड हेल्थ केयर का वर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हेल्थ केयर के वर्टिकल में जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं फॉर ड्रग डिलीवरी, यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी तेजी से हो रही है. आई थिंक एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी मैंने, तो 10-11% की CAGR ग्रोथ चल रही है इस टाइम पे. तो आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्टिकल है. थर्ड जो इनका इसमें वर्टिकल आता है, डैट इज ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन. तो इसमें एक बार हम बात करते हैं, यहाँ पे इनके जो क्लाइंट्स हैं, कुछ इनके जो टॉप टीयर क्लाइंट्स हैं इनके, वो हैं स्काई इनका एक क्लाइंट है, कॉमकास्ट इनका एक क्लाइंट है, इंडिया में जो नंबर वन ODT प्लेयर है वो भी इनका क्लाइंट है, एक पोर्चुगीज कंपनी है NOS वो भी इनकी क्लाइंट है, एंड जी के साथ इन्होंने रिसेंटली एक टाई अप भी करा था. तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये क्या कर रहे हैं. तो टाटा लेक्सी इस डिवीजन में गूगल का सर्टिफाइड वाइड वाइन पार्टनर है. तो इसका मतलब क्या है, वाइड वाइन एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी, अगर हम OTT ऐप की बात करते हैं, सपोज करते हैं नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, तो उनका जो वीडियो है उसको प्राइवेसी और इंक्रिप्ट करने में हेल्प करता है. एंड टाटा लेक्सी यहाँ पे सर्टिफाइड वाइड वाइन इंप्लीमेंटर है. एंड अगर हम OTT इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हैं, तो OTT इंडस्ट्री की ग्रोथ कुछ 14% CAGR के आसपास चल रही है. एंड और भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी वाइड वाइन को यूज़ कर रही है, तो आई थिंक जितने भी टॉप OTTs हैं वर्ल्ड में, सारे ऑलमोस्ट इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं. एंड टाटा एलेक्सी यहाँ पे एक सर्टिफाइड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है. सेकेंडली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सेकेंडली यहाँ पे जो टाटा एलेक्सी है, इनके पास एक टेस्ट जो वीडियो की टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, तो इसका नाम है बाय द नेम ऑफ Falcon Eye. अब Falcon Eye भी एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करी है, Xbox को भी सपोर्ट कर रहा है, PlayStation को भी सपोर्ट कर रहा है. तो बेसिकली Falcon Eye करता क्या है कि जो भी वीडियो की टेस्ट ऑटोमेशन है उसमें हेल्प करता है, कि जो वीडियो की क्वालिटी आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, कि वीडियो का जो प्लेबैक है आप उसको बार बार टेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेट करके, एंड जो वीडियो की स्टेबिलिटी आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई थी टाटा एलेक्सी में इस डिवीजन में, कि रिसेंटली इन्होंने Z5 के साथ 2018 में 2019 में एक टाइप भी करा था. एंड जो भी Z5 का वीडियो का बैक एंड था इन्होंने इंटीग्रेट करा, साथ साथ जो मल्टी लिंगुअल फ्रंट एंड यूजर एक्सपीरियंस है वो भी इन्होंने बनाया. बेसिकली Z5 एक OTT है जो 12 लैंग्वेजेस के अंदर आता है, राइट. एंड अगेन यहाँ पे इन्होंने जो DRM है वो Z5 के लिए इम्प्लीमेंट करा. अगर हम मीडिया एंड कम्युनिकेशन से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है अगर वो हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सेक्युलर रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है. अगर यहाँ पे इनके रेवेन्यूज देखते हैं, तो फ्रॉम 119 करोड़ इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY19, आज क्वार्टर फोर में कुछ 198 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आ गया. तो मोटा मोटा रेवेन्यू इनका जो इस डिवीजन के अंदर ऑलमोस्ट डबल कर गया. सो अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन इमर्जिंग सेगमेंट जहाँ पे टाटा एलेक्सी काम कर रही है. तो अगर मैं टाटा एलेक्सी का कंपैरिजन करूं, अगर मैं टाटा एलेक्सी को समझना चाहूं एक्चुअली में, तो टाटा एलेक्सी का हम कंपैरिजन एक कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हैं. अगर आपने हमारी सिंजीन की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लेना, अगर आपको CRO समझना है. तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो किसी कंपनी को ड्रग डिस्कवरी के अंदर हेल्प करती है. माने जो फार्मा कंपनीज है अपनी R&D इन कंपनीज को आउटसोर्स करते हैं. सिमिलरली अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने में डिजाइनिंग इन्वॉल्व होती है, फिर उसके बाद उसके प्रोटोटाइप्स बनते हैं, फिर उसकी एक प्री टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद साथ साथ अगर प्रोडक्ट, जैसे अगर हमने फार्मा के प्रोडक्ट्स में बात करी थी कि बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड मार्केट्स है, तो ये भी टेस्ट होता है कि जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं उसको ये मैच करेगा या नहीं करेगा. फिर उसके बाद जाके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है एंड कमर्शियल लॉन्च होता है. तो मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल लॉन्च को छोड़ के उससे पहले का जो भी सारा डिवीजन है टाटा एलेक्सी उसके अंदर हेल्प करता है. कमर्शियल लॉन्च के अंदर टाटा एलेक्सी ब्रांडिंग के अंदर एक कंपनी को हेल्प करता है. तो यहाँ पे इनका जो दूसरा वर्टिकल है बिजनेस का वो आता है, डैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन, जो आज इनके कुछ बिजनेस का क्लोज टू 9-10% के आसपास है.
तो इंडस्ट्रियल डिजाइन के वर्टिकल में अगर हम यहाँ देखते हैं कि किस किस ब्रांड्स के कैंपेन या कौन कौन सी कंपनीज की पैकेजिंग इन्होंने डिजाइन करी है तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलती हैं। सो बिजनेसेस लाइक अगर हमने हॉर्लिक्स का डब्बा देखा है तो राइट, तो वो भी टाटा एलेक्सी ने डिजाइन करा है। अगर हम साथ साथ एक सनी करके ऑयल आता है, अगर उसका हम पूरा देखते हैं तो वो भी टाटा एलेक्सी ने डिजाइन करा है। रिसेंटली जो ओरिएंट कूलर है उसका जो पूरा प्रोडक्ट डिजाइन है वो भी टाटा एलेक्सी ने करा है। तो यहाँ पे अगेन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग का। बट जो आई थिंक सीरियस थीसिस है किसी की टाटा एलेक्सी में इन्वेस्ट करने की, दैट इज ऑन द ईपीडी बिजनेस ओरी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिजाइन बिजनेस ओवर द ईयर्स थोड़ा घटते जा रहा है एज परसेंटेज ऑफ मार्जिन्स। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा एलेक्सी के की फाइनेंशियल मेट्रिक्स के एंड कैसे ये कंपेयर करते हैं थ्रू आउट द इंडस्ट्री एंड क्यों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस बिजनेस के अंदर बाहर निकल के आ रही है। अगर हम किसी भी आईटी कंपनी के बिजनेस मेट्रिक्स देखते हैं तो हमें वहां पे चार पांच चीजें बहुत जरूरी देखनी होती है। एक चीज की ऑन साइट और ऑफशोर मिक्स कितना है, माने जो रेवेन्यू है वो कितना ऑन साइट आ रहा है, माने जो क्लाइंट है उसकी साइट पे ओके, एंड ऑफशोर माने इंडिया के अंदर ओके या फिर उस कंट्री से बाहर ओके। तो ऑफशोर देखते हैं तो टाटा एलेक्सी का जो रेवेन्यू मिक्स है कुछ 67% के आसपास आ गया। इस वजह से इसके अंदर जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो भी हमें बहुत स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि Q4 FY21 में तो 70% के आसपास आ चुके हैं, राइट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मेट्रिक है देखना। सेकेंडली अगर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट टाइप देखते हैं तो एक तो टाइम एंड मटीरियल करके कॉन्ट्रैक्ट है, सेकेंड इनका कॉन्ट्रैक्ट है फिक्स्ड प्राइस। तो जनरली जो ऑफशोर इनके जो भी ऑफशोर प्रोजेक्ट्स होते हैं जनरली वो ज्यादातर फिक्स्ड प्राइस होते हैं, एंड ऑफशोर प्रोजेक्ट्स में जनरली ज्यादातर जो आईटी कंपनीज हैं इनका मार्जिन बेटर होता है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, जैसे हमने देखा था जैगवार के केस में जो टाटा एलेक्सी का एक क्लाइंट है, तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन टॉप 10 में कुछ Q4 FY20 में 51% थी, जो आज FY21 के अंदर ऑलमोस्ट क्लोज टू 47% के आसपास आ गई है। एंड अगर हम इनका जो रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखते हैं तो इंडिया से कुछ 13% रेवेन्यू आ रहा है, वेराज अगर हम अमेरिकाज की बात करते हैं तो 37% के आसपास है, एंड अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो 36% है। अगेन इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि जो बाहर की मार्केट्स है वहां से भी रेवेन्यू आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, आईटी कंपनीज में अट्रिशन को जरूर देखना चाहिए। अट्रिशन का मतलब क्या होता है कि मतलब ऑन एन एवरेज आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उसमें से कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। तो टाटा एलेक्सी के केस में क्या है, आई थिंक इंडस्ट्री वाइड बेस्ट लोएस्ट अट्रिशन रेट टाटा एलेक्सी का इस टाइम पे, माने इनका अट्रिशन रेट इस टाइम पे कुछ 6% के आसपास है। ओवर द इयर्स जो कम होते जा रहे हैं, एक टाइम पे 10% था, एक टाइम पे 11% था। एक ईपीडी कंपनी में हमें अट्रिशन जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ईपीडी कंपनी में जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो उसमें आप काफी वेल वर्स हो जाते हैं, माने अगर आप ट्रांसपोर्ट वर्टिकल में काम करें तो आप काफी ज्यादा वेल वर्स हो जाते हैं, तो एम्प्लॉई को रिप्लेस करना उतना ईजी नहीं हो पाता, तो इसलिए अट्रिशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 6% अट्रिशन रेट आई थिंक इंडस्ट्री बेस्ट है, KPIT एंड LTTS का इनसे काफी ज्यादा है। एंड LTTS एक अगेन ईपीडी कंपनी है जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है एज कम्पेयर टू टाटा एलेक्सी, आई थिंक वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स के अंदर भी है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड कंपनी। और KPIT कंपनी है जो एक बहुत ज्यादा इनके ट्रांसपोर्ट वर्टिकल के अंदर ही फोकस करती है, वो भी जो केस ट्रेंड है उसको राइड कर रहे हैं। पर KPIT के केस में क्या रहा है कि वहां पे काफी ज्यादा सिक्लिकैलिटी रही है ग्रोथ के अंदर, एंड KPIT के केस में आई थिंक 2-3 चीजें जो मेरे को एनुअल रिपोर्ट से बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो इस वर्टिकल में हमारे पास टाटा एलेक्सी ही रह जाती है। पर अगर हम यहाँ टाटा एलेक्सी की वैल्यूएशंस देखते हैं ना, हम अगर वापस अपने जो हमने बिगनिंग में बात करी थी उसकी करते हैं, तो आज टाटा एलेक्सी के अंदर क्या हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है कि लास्ट 2-3 ईयर्स पहले इनको 6-12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे ज्यादातर। मैंने जो अपने जो लोग मेरे आसपास जो आईटी बिजनेस में काम भी करते हैं या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बात भी करी थी, तो सबका कहना यही था कि इस लाइन ऑफ बिजनेस में काफी लंबे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो 6-12 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट थे। पर लास्ट 1 ईयर के अंदर एक ड्रास्टिक शिफ्ट आया मैनेजमेंट की कमेंट्री में, तो मैनेजमेंट कह रही है कि अब हमें मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, 5 साल से 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि शायद से ये दे आर इमर्जिंग आउट एज अ वेरी गुड पार्टनर। तो यहां से क्या प्रूव होता है, अगर हम इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखते हैं तो सिर्फ Q4 FY21 में अगर हम चेक करते हैं तो इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर समवेयर क्लोज टू 7,362, जो Q3 FY21 के अंदर कुछ 6,816 के आसपास थे। तो विद इन 1 quarter इन्होंने 550 एम्प्लॉई के आसपास हायर करें। तो आईटी कंपनीज में जितनी एम्प्लॉई हायरिंग हो रही है बेसिकली वो एक साइन है कि फ्यूचर में कितनी ग्रोथ आने वाली है, तो आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेशन है।
यहाँ पे टाटा एलेक्सी में और क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि एक ऐसा बिजनेस है, अगर हम इसकी अगर कैश को हटा के आरओसी कैलकुलेट करते हैं तो आरओसी इस बिजनेस की 70-80% के आसपास है। तो आई थिंक इट इज अ कैश थ्रोइंग मशीन, राइट। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बिजनेस मिक्स समय से चेंज हो रहा है एंड यहाँ पे जो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स आने हैं दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो बिजनेस के अंदर आज रिस्क क्या है, बिजनेस के अंदर कुछ कुछ रिस्क है। एक जो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट पे एक सबसे बड़ा रिस्क है कि जो OEMs हैं वो एक दूसरे के साथ कंसोलिडेट होके R&D कर रहे हैं। अगर वो कंसोलिडेट होके एक दूसरे के साथ R&D करते हैं तो टाटा एलेक्सी जैसे प्लेयर्स पे थोड़ा प्रेशर आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। सेकेंडली क्या है, जब हमने ऑटोनोमाइज सॉफ्टवेयर की बात करी तो जो अगर गूगल की बात करते हैं, बाइडू की बात करते हैं, चाइना का गूगल है, तो वो लोग भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करें तो कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। थर्ड की रिस्क है, जैसे 2018-2019 में इस बिजनेस में हुआ था, तो मैं बार बार स्टूडेंट्स को एक ही चीज सिखाता हूँ कि तीन तरीके की पी है। पहली पी क्या है, बेसिकली आपकी फेयर वैल्यू पी। अगर आज मार्केट 20-25 के मल्टीपल पे है तो वो एक बिजनेस की भी मल्टीपल 20-25 पे होना चाहिए। दूसरी पी क्या है, बिलो फेयर वैल्यू पी एक नॉर्मल बिजनेस के लिए। तो टाटा एलेक्सी जब 2017-18-19 के आसपास जब जैगवार वॉज गोइंग थ्रू अ ड्रास्टिक डाउनटर्न एवं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डाउनटर्न के थ्रू जा रही थी, तो टाटा एलेक्सी के रेवेन्यू स्टैग्नेट कर गए थे, राइट। इस वजह से ये इनका मल्टीपल भी डी रेट होके बिलो फेयर वैल्यू पी आ गया था, राइट। एंड आज क्या हुआ है, क्योंकि ये मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स विन करने लग गया है, इस टाइम पे IT बिजनेसेस कॉस्ट कटिंग पे चल रहे हैं, तो जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी बहुत फास्ट आई है एंड इनका EBIT मार्जिन इंडस्ट्री वाइड 30% के आसपास मूव करके, जो पूरी इंडस्ट्री में भी किसी कंपनी का इस टाइम पे नहीं है। इस वजह से इस टाइम पे इनका जो PE रेशियो था फ्रॉम बेसिकली बिलो फेयर वैल्यू से ग्रोथ PE तक जा चुका है। माने मार्केट ये अज्यूम करिए कि इस कंपनी में बहुत ग्रोथ आने वाली है। तो इसको हम क्या कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर, कि मार्केट भी सर्टेन है ग्रोथ आने वाली है एंड क्योंकि हमने बिजनेस पढ़ा है हमें भी लगता है सर्टेनली यहाँ पे ग्रोथ आने वाली है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है हमारी सर्टेनिटी में, कि अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रह गया इस टाइम पे प्राइस पे। क्योंकि अगर यहाँ पे ग्रोथ आती भी है 20-25% की नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, तो प्रॉब्लम बीइंग क्या है कि मल्टीपल इस टाइम पे 60-65 टाइम्स का पहुंच गया है। अगर मल्टीपल 60-65 टाइम्स से डी रेट होके 30 टाइम्स आ जाता है एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स में अर्निंग्स अगर डबल कर जाती है 25% CAGR पे, तो आपका एज एन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे आज जो वैल्यू है काफी ज्यादा सीन हो चुकी है। तो ये तो हमारा टाटा एलेक्सी का बिजनेस एनालिसिस था एंड हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको IT कंपनी का बिजनेस एनालिसिस कैसे लगा एंड जो हमारा नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस है उसके लिए भी आप हमें जरूर सजेशन दीजिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SYC।